मैं हूं आपका मेजबान आफताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में फल जो है गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है, लेकिन मुल्तान के चार दोस्तों ने एक ऐसा ऐसा कदम उठाया कि अब जो फल है गरीब लोग भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, मुल्तान के चार दोस्तों ने यहाँ पे एक सेल लगाई हुई है कि आप 10 रुपए किलो आम यहाँ पे ले सकते हैं। इसी के साथ साथ 10 रुपए किलो फी दर्जन केला जो है आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। ये जो सेल है स्पेशल गरीब लोगों के लिए लगाई गई है और मुल्तान के चार दोस्तों ने लगाई है। इसका आइडिया कैसे आया, आइए इन दोस्तों के पास चलते हैं और सारी कहानी जो है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, आपने इतनी बड़ी क्वान्टिटी में लोगों को यहाँ पे आम और केले दे रहे हैं, कैसे इसका आइडिया आया? भाई, ये 2 दिन पहले मैंने किसी भाई की मुल्तान में वीडियो देखी थी, सबील शरबत की लगाई थी। वहाँ से हम दोस्तों ख्याल है कि अगर एक आदमी नेकी का ये काम कर सकता तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो वहाँ से आइडिया पिक किया, फिर हम लोगों ने शरबत की स्पील लगाने का प्लान किया। सर, इतनी ज्यादा महंगाई है और फल जो है गरीब आवाम की पहुँच से वाकई दूर हो चुका है और मुल्तान के आम जो है बहुत ज्यादा वैसे ही मशहूर है, आप इनको 10 रुपए फी किलो दे रहे हैं, आपके को अपने बागात थे या आपने मंडी से खरीदे हैं? नहीं भाई, सुबह मैं खुद मंडी से परचेज करके आया हूँ, सुबह 7 बजे उठ के मंडी गया हूँ, मैंने वहाँ से आम और केले फ्रूट का साथ अरेंजमेंट किया था, मैंने वहाँ से खुद परचेजिंग किया जाके। इस महंगाई के दौर में आप आवाम के लिए मसीहा साबित हुए हैं, लोगों को फल खिला रहे हैं, ये बताइएगा क्या बिजनेस है आपके पास, ऐसा क्या चीज है कि आप इतनी लाखों की तादाद में लोगों पर खर्च कर रहे हैं, वो भी 20-25 मिनट में आपके वो खत्म भी हो गए हैं? भाई, मेरा बिजनेस रेस्टोरेंट का है, लेकिन रब की मेरा एक ईमान है कि अल्लाह की राह में कितना खर्च करोगे रब आपको उसका दुगना दे। तो यही सोच के हम दोस्तों ने प्लान किया था कि ये फ्रूट्स वगैरह लगाने का, और ये जो 10 रुपए का भी हमने प्लान किया इसलिए किया था कि आप अगर फ्री में लेते हैं ना तो आपकी इज्जत पे वो इज्जत मशहूर होती है, तो इसलिए हमने 10 रुपए रखे थे कि हर आदमी आए 10 रुपए हर आदमी अफोर्ड करता है ना, तो 10 रुपए दे के एक दर्जन केले ले ले हमसे, 10 रुपए दे वो दुशहरी आम भी आए चौंसा भी हमसे बोले। ये बताइएगा कितने किलो आम थे और कितने किलो जो है केले दर्जन थे जो आपने यहाँ पे लोगों को आज तकसीम किए? ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं 500 दर्जन सुबह केले लेके आया था, 50 लंगर के वो थे केले के, और 50 पेड़ी मैंने आम की ली थी, 500 केजी आम था तकरीबन, तो शहरी और कौन सा मिक्स था। सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा तबका आ रहा है, गरीब लोग हैं, स्टूडेंट हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पे आपसे आम लेके गए हैं? अभी ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि यहाँ वो लोग आ रहे हैं जो गरीब है या जो अफोर्ड नहीं करते, लोगों में शायद अवेयरनेस आ गई है इतनी है कि वो लोग तंग नहीं कर रहे, गाड़ियों वगैरह वाले, औरतें आ रही हैं, बच्चे आ रही हैं, लेकिन वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं। सर ये बताइएगा, कहीं ये आप हर साल लोग ज़कात वगैरह निकालते हैं, सदका वगैरह निकालते हैं सालाना, तो कहीं ये सदका और ज़कात के तो नहीं थे या वैसे ही आपने लोगों के लिए किया है? नहीं भाई, मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं सदका करा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से कर रहा हूँ। अभी हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो के खाली हाथ भी चले गए, आम खैर अभी भी पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं क्योंकि इतने ज्यादा लोग थे, तो क्या लगता है आपको दोबारा भी ये करेंगे? अगर वो लोग वापस गए तो वो केले दर्जन पहले अपने केले स्टार्ट किए, केले खत्म हो गए, अभी आम की माशा 10-12 पेटी पीछे 15 और पड़े, तो अगर ये आज हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह प्लान दोबारा भी आपके साथ फिर प्लान करूंगा मैं, इससे अच्छा करने की कोशिश करें, और अगर कोई साथ हमारे मिलके भी करना चाहता है तो जरूर करें आए हमारे। आपने दूसरों की वीडियो से इंस्पायर होकर ये सारा जो है लोगों को आज फल खिलाए, क्या लगता है आपकी वीडियो से भी लोग इंस्पायर होकर फिर ये करेंगे और ये जो कारवां है मजीद बढ़ता रहेगा, मजीद चलता रहेगा इंशाल्लाह जी? आज हम 4 दोस्तों ने किया तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम 8 लोग होंगे, इंशाल्लाह कारवां बढ़ेगा कब नहीं। ये बताइएगा अगर मैं रफ पूछूँ कितना खर्चा हो गया होगा आपका अंदाजन, तो माया तो आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं है लेकिन कितना खर्चा हो गया? नहीं भाई सॉरी, ये खर्चा ये जो है आपकी राह में देते हैं उसका कोई हिसाब कम नहीं। बिल्कुल नाज़िर, मैं मुल्तान में मौजूद था जहाँ पे चार दोस्तों ने एक बहुत ही आसान कदम उठाया, यहाँ पे गरीब लोग जो थे उनको इन्होंने फल बांटे हैं, सिर्फ 10 रुपए कीमत रखी गई है, वो भी इसलिए ताकि उनकी इज्जत नफ्स जो है मजरू ना हो, और यहाँ पे तकरीबन 500 किलो जो है आम बेचा गया है, 500 दर्जन केला जो है वो भी लोगों में तकसीम किया गया। उम्मीद है आपको इनका कदम अच्छा लगा होगा, आप भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर करें, गरीब लोगों की पहुंच में वाकई इस वक्त फल नहीं है, आप भी उनको लाजमी खिलाएं। इसी के साथ अपने मेजबान आफताब शहजाद को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।